जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ खिलजी वंश की। किसकी? खिलजी वंश की। खिलजी वंश के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संख्या में जोड़िए, जिससे और भी आपके जो दोस्त हैं वो भी देख सकें। एक बार सभी लोग जल्दी से धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए। देखिए, खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश है, चला है। चलिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा। इसकी स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। इसकी जो खिलजी वंश की स्थापना है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी इसकी, अगर राजधानी की बात की जाए, राजधानी किलोखरी में। राजधानी कहाँ है? राजधानी इसकी किलोखरी में है। कहाँ है? राजधानी इसकी किलोखरी में है। आगे देखिए आप लोग, राजधानी इसकी किलोखरी में है। जलालुद्दीन की जो हत्या है 1296 में हुई थी। हत्या इसकी 1296 ईस्वी में हुई थी। इसके भतीजा और दामाद ने इसकी हत्या की थी। किसने की थी? भतीजा और दामाद ने इसकी हत्या की थी 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन जो है इसकी, तो अलाउद्दीन की खिलजी की तो हत्या हो गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद इसके बाद आप लोग जल्दी से देखिए, हत्या इसकी कहां हुई थी, इसने कहां की थी? तो इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मणिकपुर में की थी। कहां की थी? कड़ा मणिकपुर वर्तमान में जो है इलाहाबाद में पड़ता है। कहां है? इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद में है। बारह अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन जो खिलजी है दिल्ली का सल्तनत बना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सल्तनत बना। ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी है दिल्ली का सल्तनत बना था 12 अक्टूबर 1296 में। इसके बाद देखिए आप लोग, 1296 दिल्ली का जो है सल्तनत बना। इसके बचपन का जो नाम था, इसके बचपन का नाम था अली और दूसरा नाम था गुरुशास्त्र इसका दूसरा नाम था। आगे देखिए, अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने सेना को नगद वेतन, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को जो है नगद वेतन देने का प्रावधान किया था, ठीक है, नगद वेतन देने का प्रावधान रखा था। आगे देखिए आप लोग, अगर शासकों की बात की जाए तो दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास थी सबसे ज्यादा सेना, ठीक है, खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का जो हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सैनिकों की जो हुलिया है उसकी प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत ही अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है, खिलजी ने की थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे देखिए आप लोग जल्दी से बने रहिए। आगे देखिए दक्षिण भारत यानी दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। दक्षिण भारत की जो विजय है उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। आगे देखिए अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था, दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त जो है परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। और देखिए यहाँ पे सेना ये जो है सेना ये मंडी यहाँ की खादानों को बिक्री हेतु लाया जाता था। आगे देखिए सराय अदन जो यहाँ वस्त्र या शक्कर जड़ी बूटियाँ मेवा दीपक का तेल एवं अन्य जो निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए यहाँ आती थी। आगे देखिए क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में आप लोग देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 यानी 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। मंगोलों को कितने आक्रमण हुए, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मंगोलों के आक्रमण कितने हुए। तो इनके जो आक्रमण हुए 6, ठीक है, मंगोलों के आक्रमण कितने हुए, 6 हुए हैं। आगे देखिए आगे प्रश्न क्या बनेगा वो भी देखिए आप लोग जल्दी से। तो आगे प्रश्न क्या बनेगा देखिए, प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखिए कादर खां के जो है नेतृत्व में हुआ था। और दूसरा जो आक्रमण है 1298 में, दूसरा आक्रमण कब हुआ था, 1298 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दूसरा, 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। किसके, दूसरा आक्रमण है 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, किसके, सल्दी के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखिए मैं डिटेल में आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ, सल्दी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए तीसरा आक्रमण जो है 1299 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। चौथा आक्रमण जो है 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखिए जो है पांचवा आक्रमण 1205 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में, एवं जो छठा आक्रमण है वो 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था 1306 ईस्वी में। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु, इसकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, तो मृत्यु इसकी देख लीजिए। इसकी मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। मृत्यु इसकी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। आगे देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है 1316 ईस्वी में दिल्ली के सियासत पर बैठा, ठीक है, इसे सबसे ज्यादा जो है
नग्न स्त्री पुरुष की जो है संगत इसे बहुत पसंद थी। क्या थी? संगत इसे पसंद थी सबसे ज्यादा नग्न स्त्री पुरुष की। आगे देखिए, स्त्री पुरुष की इसे संगत बहुत पसंद थी जो है। मुबारक खान ने इसे किसकी उपाधि दी थी? मुबारक खान ने इसे खलीफा की उपाधि धारण की थी। खलीफा की उपाधि दी थी। ठीक है, खलीफा की उपाधि दी थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने, मुबारक के जो वजीर खुसरो खान हैं, वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को, कब? 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई और स्वयं इसके जो सिंहासन पर बैठ गया, दिल्ली के सिंहासन पर स्वयं बैठ गया। और जो खुसरो खां था उसने पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसकी की थी? पैगंबर सेनापति की उपाधि धारण की थी। ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को कराए। खिलजी वंश का पूरा जो है निपटारा आपके सामने एक ही सेकंड में करा दिया, आप लोग देख सकते हैं। और मज़ेदार क्लास के लिए आप लोग जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय।